नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है महाराष्ट्र सेट का, तो इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्वेश्चन आंसर क्या है। ओके, तो ये सेकंड पेपर है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और क्या है इसका होगा फाइनल की आंसर क्या है वो देखेंगे आज। देखिए ये सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य का 2019, 2 घंटा टाइम है, मैक्सिमम 200 है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर के आगे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 120 मिनट मिलेगी इसमें हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है महाराष्ट्र सेट का। देखिए पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। राजभाषा नियम अधिनियम नहीं, राजभाषा नियम 1976 के उपबंध के अनुसार कौन सा राज्य ख क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है। नहीं है पूछा है, क ख ग क्षेत्र बोल के तीन क्षेत्र में विभाजित किए हैं ना, तो उसमें कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है इन्होंने। तो देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। दूसरा क्वेश्चन है, मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मालवी किस उस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो उपभाषा वर्ग है राजस्थानी हिंदी वर्ग की बोली है मालवी। तो तीनवा क्वेश्चन है, संयुक्ताक्षर क्ष में किन दो वर्णों का योग है, तो क और श क्ष बनते हैं क्ष। ओके, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वन, देवनागरी सुधार विशेषज्ञ समिति ने अंग्रेजी के किस विराम चिन्ह को छोड़कर शेष सभी अंग्रेजी विराम चिन्हों को देवनागरी लिपि में शामिल करने की अनुशंसा की है। देखिए हिंदी साहित्य में हिंदी लिखने में जो जो विराम चिन्ह, जो भी उद्गारवाचक, जो भी चिन्ह होता है, वो चिन्ह हम अंग्रेजी से लिए हैं। ओके, एक को छोड़ के हम लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं ना, तो एक डंडी जैसे देते हैं। ओके, तो उसको छोड़ के उसको हमने हिंदी से लिए हैं, लेकिन हिंदी में क्या है, डॉट देते हैं फुल स्टॉप के लिए। डॉट हमने अंग्रेजी का नहीं लिए, डॉट को छोड़ के उसके अलावा हमने सब कुछ अंग्रेजी से लिया है। ये है क्वेश्चन का अर्थ, मतलब क्वेश्चन ए पूछा है, विराम चिन्ह हमने अंग्रेजी का नहीं लिया है, हमारा ही है। ओके, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गीति नाटक है, तो अंधायुग गीति नाटक है 1952, और इसके रचनाकार है धर्मवीर भारती। ये चारों नाटक 2019 का पेपर है महाराष्ट्र सेट का। ये चारों नाटक ध्रुवस्वामिनी, अंधायुग, आषाढ़ का एक दिन और महाभोज, ये एनटीए नेट द्वारा न्यू सिलेबस, एनटीए नेट द्वारा अपडेटेड न्यू सिलेबस में ये चारों नाटक शामिल है। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए। महाभोज, मनु भंडारी का, आषाढ़ का एक दिन, मुझे याद नहीं आना, ध्रुवस्वामिनी, ये आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, और ध्रुव स्वामिनी, कालिदास की कथा बताई गई ना इसमें, तो ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। ओके, उसके बाद बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है, तो वो है आगरा। आगे चलते हैं सेवेंथ वन क्वेश्चन पे। तो चलिए, मीरा ने कृष्ण की उपासना किस भाव से की है, तो माधुर्य भाव, मतलब किस भाव से उन्होंने उसकी आराधना की है, पूजा की है, उनको उन्होंने किस भाव से अपना माना है, अपना मान के पूजा अर्चना की है, तो यह है माधुर्य भाव। वात्सल्य भाव ये आएगा किसका, सूरदास का,
दास्य भाव आएगा, तुलसीदास ने दास बन के राम की पूजा की है। ये वात्सल्य, वात्सल्य मतलब बेटे को एक माँ का जो प्यार होता है वो वात्सल्य, उसे वात्सल्य कहते हैं। ऐसा कृष्ण के प्रति सूरदास का था। सख यानी दोस्त मान के या मित्र मान के जो पूजा की जाती है वो सख्य भक्ति कहलाती है, ये सख्य उपासना कहलाती है। तो मीरा का हो गया माधुर्य। तो 100 क्वेश्चन है, ऐसे एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो बहुत टाइम पकड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताते जाऊंगा। आप अगर क्वेश्चन पेपर, आप मैंने करीबन करीबन ये महाराष्ट्र सेट के 20-25 क्वेश्चन पेपर होंगे मेरे पास, 15-20 तो होंगे, वो सभी मैं अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप वहां जाके देख सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आप इतने क्वेश्चन देख लेंगे ना, 20-25 या 15 भी क्वेश्चन होंगे तो 15 के 2 क्वेश्चन 50-50, 100-100 के हो रहे हैं, उसको छोड़ के 50-50 के पकड़ लो, डबल डबल मिनिमम आपको 1000 के ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे। 1000 में से मिनिमम 20-25 क्वेश्चन तो रिपीट होने की संभावना मुझे लगती है, या अलग तरीके से पूछे जाएगा उसको, मगर पूछे जाएगा जरूर। चलिए, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है? तो पद्मावती। पद्मावती जायसी द्वारा लिखित एक काव्य भी है, जो प्रेम हाँ सूफी परंपरा के अंतर्गत आता है, 1940, 1450 या 1540 ऐसा कुछ तो भी है इसका। अमीर खुसरो की निम्नलिखित पहेली का सही उत्तर क्या है? तो दर्पण। फारसी बोली आईना, तुर्की सोच न पाईना, हिंदी बोलते आरसी, मुंह आए मुंह देखे जो उसे बताए। तो दर्पण होता है ये। देखिए महाराष्ट्र वालों ने कितना अच्छा, महाराष्ट्र सेट चलाने वाले को मेरा धन्यवाद, कितना अच्छा उन्होंने अडाप्ट कर लिया है नेट के सिलेबस को, तो इजी हो जाएगा ना। तो नेट का पढ़ रहा है, एनटीए नेट का पढ़ रहा है, तो आपको सेट को भी आसानी होगी और नेट को भी आसानी होगी, ऐसा रहना चाहिए पढ़ाने वाले या सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चन पेपर, तो अच्छा रहेगा सबको, मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं होगी स्टूडेंट को, हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से मलुकदास की रचना नहीं है, सुखमनी मलुकदास की रचना नहीं है, बाकी ध्रुव चरित्र, उपदेशात्मक बाराखड़ी और भक्ति वच्छवली ये मलुकदास की है। आगे चलते हैं, तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रबंध काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है? दोहावली नहीं है तुलसीदास। पर्वती मंगल, रामचरितमानस और रामलला न छो, ये प्रबंध काव्य नहीं है ये, लेकिन दोहावली प्रबंध काव्य नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत्कृत प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग है? 17। सही है, ये भी मैं बताते जाऊंगा आपको कि कौन से रचनाएं, कौन सी रचनाएं एनटीए नेट के सिलेबस में भी है और महाराष्ट्र सेट वाले उसको ही रिपीट कर रहे हैं, मतलब वही पूछ रहे, ये सब मैं आपको बताते जाऊंगा। आप अगर आपको अगर लगता है नोट कर लेना तो नोट कर लीजिए, या आपको भविष्य में इससे निश्चित ही मदद मिलेगी, ये मेरा मानना है। आगे है 13th क्वेश्चन। दुहु ओ बंदुक जहां चलत बेचुक, रण होत धुक धुक, किलकत कहूं कुक, इन पंक्तियों में, पंक्तियों के कवि है, इसके है सूदन। ओके, निम्नलिखित में से भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है पूछा है? छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, शिव बावनी, ये भूषण के नहीं है मतलब अलंकार ग्रंथ नहीं है, लेकिन शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है। ओके, तो आगे चलते हैं, आ गए हम अज्ञेय जी पे। अज्ञेय की किस कविता को रूपक कथा कहा गया है? तो अज्ञेय जी की किस कविता को रूपक कथा कहा गया है? तो वो है असाध्य वीणा। ओके, असाध्य वीणा ए बी नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में है। हरी घास क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर ये भी है, कली कलगी बाजरे की ये भी है, नदी के दीप ये भी है, ये चार कविता उनकी है। ये उनके शायद मुझे लगता है उनके काव्य संग्रह भी होंगे, लेकिन इसी नाम से उन्होंने कविता भी लिखी है। तो ये उनके हरिघास के क्षण पर नहीं होगी, लेकिन नदी के दीप और कलगी बाजरे की तो
ये तो उनके कविताएं न्यू अपडेटेड सिलेबस में है। तो आगे चलते हैं, देखिए प्रेमचंद के किस उपन्यास में दलितों की मंदिर प्रवेश आंदोलन का चित्रण किया गया है? तो क्वेश्चन कैसा पूछ लिया है, देखो अगर आप पढ़े होंगे आंसर या आप पढ़े होंगे उपन्यास, तो ही आपको ये पता चलेगा। मतलब उपन्यास में दलित के मंदिर प्रवेश पर आंदोलन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो वो है गोदान में नहीं है, सेवा सदन में नहीं है, कर्मभूमि में, रंगभूमि में नहीं है। गोदान तो नेट के न्यू सिलेबस में रखा गया है, तो उसके आसपास से ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो अगर आप सभी मेरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाऊंगा, हर रोज डालूंगा, आप ये कर लेंगे तो हो जाएगा। मतलब अभी फरवरी में 2021 फरवरी में आप ये बुलाने वाला है, मतलब एनटीए का क्या है, एनटीए वाले ने नेट बुलाने वाला है। आप मुझे ऐसा मत सोचिए कि मैं मतलब मेरा नहीं हुआ है, चुप्पी कर रहा है, ये वो नहीं। मेरा 2 बार नेट और एक बार एनएफएससी में सेलेक्शन हो गया है मेरा। मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा कर्नाटक सेट भी हुआ है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी मतलब वो बोलते हैं ना औकात है, मतलब मैं एलिजिबल हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने 2 बार नेट क्लियर किया है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो चलिए 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला किसको संबोधित करके मुझे फूल मत मारो कहती है? वो है नामदेव। ओके आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। धूमिल के अनुसार मेरे देश की संसद किस पर मौन है? तो धूमिल की भी रचनाएं 3 या 4 रचनाएं न्यू अपडेटेड सिलेबस में ली गई है। तो रोटी से खेलने वालों पर ये आंसर है इसका। निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है संबंधित, फोर्ट विलियम कॉलेज जॉन गिलक्राइस्ट ने 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, 1600 या 1800, मुझे सही तरीके से याद नहीं है। तो उसमें इंशाअल्लाह खान नहीं है, लल्लू लाल जी और सजल मिश्रा और मीर अमन ये थे, ये इंशाअल्लाह खान नहीं थे, लेकिन इन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। ओके तो आगे चलते हैं। भारतीय जनतट संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई? वो है 1943, 1943। आगे है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है? कोणार्क लिखा है, पहला राजा लिखा है, पहला राजा ये जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखा गया नाटक है, लिखा गया हुआ नाटक है, और दशरथ नंदन ये भी उनका है, लेकिन टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है। ओके तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। धरती धन्ना अपना ये भी न्यू सिलेबस में है, देखिए पूरा 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 नेट का ले लिया है, यानी 100% नेट का सिलेबस उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है। धरती धरना अपना ये उपन्यास मैंने पढ़ा है, बहुत बढ़िया उपन्यास है। दलित को सवर्ण लोग कैसा सताते हैं, या उनका कैसा शोषण करते हैं, या उनकी रोटी के साथ कैसे खेलते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में, उसकी बेबसी का कैसा फायदा उठाते हैं, इसके बारे में उपन्यास बहुत जबरदस्त तरीके से हमें समझाता है। धरती धन्ना अपना उपन्यास के मुख्य पात्र काली का जीवन किस संकल्प से परिचालित है? तो पक्का मकान, काली एक जगह चले जाता है जहाँ शहर जाके पैसा कमा कर ला के अपनी काकी के साथ या बूढ़ी अम्मा के साथ, तो उन्होंने एक पक्का मकान बनाने का सोचता है। लेकिन यहाँ पे जो सवर्ण लोग हैं, आज तक किसी दलित ने पक्का मकान नहीं बनाया है दलित बस्ती में, लेकिन ये काली कुछ ज़्यादा ही कर रहा है करके उनको मतलब धरती उनकी दूसरों की दी हुई है, इस पे आप पक्का मकान नहीं बना सकते करके उसके सपने को चूर चूर कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया स्टोरी है, मैं टाइम मिले तो आपको बताऊंगा। उसके बाद काली नाम का, कालीचरण नाम का पात्र महिला अंचल में भी आता है, तो आप कंफ्यूज मत कर लिए, काली यहाँ पे भी आता है, वहाँ पे भी आता है।
महिला अचल भी न्यू सिलेबस में लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो बनारस की यात्रा नहीं है उनकी, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा, ये भारतेंदु द्वारा लिखित यात्राएं हैं। साधारणीकरण की उद्भावना किस आचार्य ने की? भट्ट नायक ने। उसके बाद चलते हैं, देखिए, अनुकूल या प्रतिकूल भाव जिसे छिपा न सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव है, क्या कहलाता है? भाव क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। आपको नेट का या कौन से भी एग्जाम देने से पहले कौन से भी एक लेखक का भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक किताब एक दो बार रिपीट कर लेनी चाहिए। इससे आपको मोटे मोटे तौर पर एक 80% आपको अंदाजा लग जाएगा स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब क्या है, इसके बारे में आपको अंदाजा लग जाएगा। तो इससे इजी होगी आपको। चहरी चहरी झिनी वंदन परित मानो, गहरी गहरी घटा छाई है गगन में। उक्त तो पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? बिहारी के निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। आगे चलते हैं, अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ओके, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य की रचना में महाकाव्य की संज्ञा दी है? तो रोला बार्थ ने कथा साहित्य की संरचना में महाकाव्य की संज्ञा दी है। ओके, संज्ञा दी है। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। मैंने राजनीति में राजतंत्रवादी धर्म में एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में क्लासिकवादी हूँ, इस किसका कथन है? यह है टीएस इलियट का, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे चालू होती है। इन्होंने बहुत, मतलब मुझे तो ये महाराष्ट्र सेट वालों का यही मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि इस मिलान कीजिए, मिलाप कीजिए, मिलाइए, इसमें सूची पहली एक तरफ दे देते, सूची दूसरी दूसरी तरफ, मतलब बहुत बहुत, मतलब बहुत बच्चों को हेडेक हो जाता है। ये सुधारनी चाहिए उन लोगों को। तो मुझे भी यहाँ पे दिक्कत होगी, तो मैं बताते जाऊँगा, आप इसका देख लीजिए आपका कौन सा होता है। तो अल्पप्राण, ओष्ठ, महाप्राण, अघोष, तो इसका होगा डी। डी मतलब ए का टू, ए का टू, अल्पप्राण टू होगा, य ट म त। ओके, उसके बाद चले जाते हैं 32 पे। देखिए, एक पेज में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनाया है उन्होंने, कितना होशियार होगा। यहाँ पे अगर रख दिया होता तो क्या जाता उनका, पेज भी बचते और मिलाप करने के लिए उनके आसानी भी होती। लेकिन उनको ऐसा कंफ्यूज करके बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर निकालना होता है। मतलब जो बच्चे स्लो है, जो बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज करना उनका मेन मकसद है, करके उनको बाहर निकालना इनका मेन मकसद है, कम करना। अगर आगे अगर रख देते तो स्पीड हो जाता तो बहुत सारे कंपटीशन होता, तो उनको कम को स्कोर करके बाहर निकालने का ऐसा साइकोलॉजिकली आइडिया रहता है उनको, मनोवैज्ञानिक आइडिया रहता है। तो इस तरह उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, बहुत होशियार रहते हैं वो लोग। तो देखिए, ये है, ये वाला है, ये सेट ए है, ये का है क्वेश्चन पेपर। निम्नलिखित उपभाषा वर्गों को उनकी बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली है पश्चिम हिंदी, ए का टू है, पश्चिम हिंदी खड़ी बोली, ये होगा बी। उसके बाद चलते हैं,
निम्नलिखित लेखकों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा, मन्नू भंडारी का क्या होगा, आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना, शेरलाल शुक्ल का राग दरबारी, जिंदगी नामा होगा किनका, किनका होगा, कृष्णा सोबती का होगा, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो ये होगा सी। उसके बाद आइए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। संत तियो खुणे संतोष ले, संत समग समग में नाचे रंगणी, संतन जातन पूछो निर्गुणिया, संत विषयजु परिहरे बलि कीजू हूँ तासु। तो इसका होगा एका तीन। तो जो ये है संत तिये खुणे संतोणी, तीन ज्ञानेश्वर होगा इसका। आगे चलते हैं इसी रफ्तार के साथ। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन अगर एक भी मालूम हो गया ना आपको, तो ये बहुत ईजी होगा पढ़ने के लिए। एक का फोर। तो देखिए, हमीर रासो जोधराज, ओके, एक का फोर बताया ना, जोधराज। उसके बाद होगा बी का वन, बी का वन, गोरा बादल लाल चंद जैन, ओके। उसके बाद अब 36 पे आ जाते हैं, ये है इसका, ये बी नहीं सी नहीं, ये है क्वेश्चन पेपर टाइप ए का है, तो ए में अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन को लेके देख सकते हैं, मतलब आप, मैं पूरा 100 का 100 क्वेश्चन कराऊंगा। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक, निराला है पहला, नक्सलबाड़ी, सतपुड़ा के जंगल, फिर विकल है प्राण मेरे, बहादुर नन्हा, इष्टाओं बंधु, ये चारवा होगा, ये का फोर्थ होगा, बहादुर नटाओ इष्टाओं बंधु, तो देखिए फोर्थ होगा, निराला का फोर्थ, B5, C2 और D1, ये क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना को रचना के, आपहुद्री, रमणिका गुप्ता, फोर होगा ए का, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। उसके बाद चलिए, जमुना का पेड़, कृष्ण चंदन, आपहुद्री, रमणिका गुप्ता, मेरी तिब्बती यात्रा, राहुल संस्कृतायन, भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई, ओके। अब इधर महाभोज, महाभोज होगा मनु भंडारी, अंजो दीदी, शंखशेष, उपेंद्रनाथ, अश्क का होगा एक और द्रोणाचार्य, देख लेते हैं आंसर का, फिफ्थ होगा महाभोज, अंजो दीदी कौन सा होगा, तीन होगा, उपेंद्रनाथ, अश्क, सी का 4, एक और द्रोणाचार्य, 4, शंखशेष, बकरी, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना। तो चलिए 39 क्वेश्चन पे आ गए हम। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लेखकों के साथ सुमेलित करना है निबंध को। स्वाधीनता, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, तुम चंदन हम पानी, रसात्मक बोध के विविध रूप, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, विद्यानिवास मिशन, नंदन बिहारी वाजपेयी, रामलीला शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं आंसर। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ए का 3,
ये वाला आ जाएगा तीन में, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, तीन रामिला शर्मा। बी का आ जाएगा ए, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्रा। और ये फोर और टू, सी का फोर रसात्मक बोध के विविध आयाम, फोर रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य विश्व शताब्दी, नंदीराय वाजपेयी। ओके ओके, तो चलिए आगे। निम्न कविताओं और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए, चिट्ठी लिखी हुई औरत, इस स्त्री से डरो बस बहुत हो चुका, मैं किसकी औरत हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का होगा बहस बहुत हो चुका। देखिए, ए का टू, चिट्ठी लिखी हुई औरत, अनामिका फोर, इस स्त्री से डरो कात्यायनी, बस बहुत हो चुका, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और फिफ्थ डी, मैं किसकी औरत हूँ, कविता सिंह। ओके, आगे चलते हैं 41वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रसों और स्थायी भावों में सही सुमेलित बताइए। देखिए, तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। 2431, 2431, 2431 का देखिए, करुणा टू शोक, श्रृंगार टू फोर, रति, इसका वीर रस उत्साह, वात्सल्य वात्सल्य। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं 42वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अभिजात्यवाद, स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद और संरचनावाद। मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होगा, संरचनावाद का इतिहास की, स्वच्छंदवाद कल्पना, पर स्वच्छंदता का बी होगा शायद, देख लेते हैं क्या है। ए त्रि त्रिवन, त्रिवन देखिए, अभिजात्यवाद त्रि होगा, अनुकरण, स्वच्छंदता वन होगा, कल्पना प्रावणता। और देखिए 2-5, मार्क्सवाद 2 होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और संरचनावाद होगा 5, पाठ का भाषिक विश्लेषण। आगे चलते हैं अभी। निम्नलिखित विचारकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। क्लिंट ब्रुक्स, इलियट, जाक देरिदा, ल्योतार। तो देखिए, परंपरा, विसंगति और विडंबना, उत्तर आधुनिकवाद, विसंरचना, अस्तित्ववाद। 2-1, क्लिंट ब्रुक्स 2, विसंगति और विडंबना, इलियट परंपरा। उसके बाद आते हैं 4 और 3, जैक देरिदा 4, विसंरचना और ल्योतार 3, उत्तर आधुनिकवाद। उसके बाद चलते हैं 44। एक क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, 44th का है। देखिए, लेकिन यही है, यही वे भूते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर की दबी रह जाती है। ये मोचीराम है शायद, ये धूमिल की कविता का है। ये उपमा मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं चूं। ये अज्ञेय की हो गए शायद, पशु नहीं वीर तुम,
समशूर क्रूर नहीं काल चक्र में हो दबे। तो देखिए इसका देख लीजिए परिवर्तन, मोचिरा जागो फिर एक बार, अकाल दर्शन और कल की बाजरे की। तो देखिए ये 99% नेट के सिलेबस से लिए गए हैं क्वेश्चंस, ये डी होगा। आगे चलते हैं, 44 का डी होगा, क्वेश्चन पेपर टाइप ए है। निम्नलिखित लेखकों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए, जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती। देखिए जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा होगा, तीसरी कसम, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, कमलेश्वर का राजा निरभिषया। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3152, 3152, ए का त्री अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र, वन तीसरी कसम, फाइव राजा निरभिषया कमलेश्वर और टू कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया। उसके बाद आएगा निम्नलिखित प्रगतिशील लेखकों को उनकी पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए, शिवदान सिंह चौहान, हंसराज हरबर रहबर सॉरी हंसराज रहबर, रामलीला शर्मा, मैनेजर पांडे। आलोचना की सामाजिकता, परंपरा का मूल्यांकन, प्रगतिवाद, पुनर् मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए इतिहास और आलोचना। तो देखिए क्या होगा, 4321, 4321 मतलब लाइन से आएगा, शिवदान सिंह चौहान 4 परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, हंसराज 3 प्रगति और मूल्यांकन, प्रगतिवाद मूल्यांकन, रामलीला शर्मा परंपरा का मूल्यांकन और मैनेजर पांडे आलोचना की सामाजिकता, 4321। आगे है निम्नलिखित लेखकों को उनकी निबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, विद्यानिवास मिश्रा, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट और रामचंद्र शुक्ला। शिव शंभु के चिट्टे प्रताप नारायण बाल कृष्ण भट्ट का होगा, मजदूरी और प्रेम प्रताप नारायण मिश्र, उसके मेरे राम का मुकुट भुगरा है विद्यानिवास मिश्र, कविता क्या है रामचंद्र शुक्ला, शिवमूर्ति उनका नहीं है। 3-5 डी होगा इसका, 3514। ए का 3, बी का 5 शिवमूर्ति, सॉरी शिवमूर्ति प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति होगा। बालकृष्ण भट्ट सी का होगा 1, 1 और 4, सी का 1 और डी का 4, सी का 1, शिव शंभु के चिट्टे बाल कृष्ण भट्ट और डी का शिव 4 होगा, कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद चलते हैं निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस कहान, धरती धन अपना, ये चारों नेट के सिलेबस ने, देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त, परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास, मानस का हंस, मानस का हंस, अमृता नागर, धरती धन अपना, जगदीश चंद्र। ओके ये होगा उसका। उसके बाद आते हैं पत्रिकाओं के साथ संपादक को सुमेलित कीजिए, दलित, वार्षिकी, हंस, बयान और पहल, नेमिश्राय, मोहनदास नेमिश्राय, ज्ञानंद, संजय साह, जयकर प्रसाद कदम और गौरीनाथ। इसका होगा 4, 4312, 4312। ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2 होगा।
निम्नलिखित कहानी लेखकों को उनकी कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। हरिशंकर परसाई, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी और शेखर जोशी। हरिशंकर परसाई का क्या होगा? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। कृष्णा सोबती का होगा सिक्का बदल गया, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया और शेखर जोशी का कोशिका घटवारा। इसका होगा बी, 2315। निम्नलिखित में से काकेशीय परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग ये चेचेन, कबार्दियन, जार्जियन और मिंग्रोलियन। 51 का होगा ये डी। निर्गुण संत काव्यों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख ग्रंथों का संगत वर्ग कौन सा है? विष्णुई संप्रदाय, उदासी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, आगे है, आगे क्या है? 52-3 का क्वेश्चन क्या है? 53 का है, पद्मावत की काव्यकृति का संगत वर्ग हिम्मत, बहादुर, विरुद्धावली, जगत विनोद, प्रबोध 50 और गंगा लहरी। पद्माकर की काव्यकृतियों का संगत वर्ग हिम्मत, बहादुर, विरुद्धावली, जगत विनोद, प्रबोध 50 और गंगा लहरी। निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक 1951 के कवियों का संगत वर्ग शकुंत माथुर, धर्मवीर भारती, नरेश कुमार मेहता, हरिनारायण व्यास। ओके, निम्नलिखित में से इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का संगत वर्ग सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, मुक्तिपथ। निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का संगत वर्ग मल्लिका देवी, पन्नाबाई, गुलबहार, लखनऊ की कब्र। ओके, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों का संगत वर्ग लिखिए। तो देखिए, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों का संगत वर्ग इस प्रकार है, दिव्या, प्रायश्चित, वैशाली की नगर वधु और शतरंज के मोहरे, ये इनका सही वर्ग है। हिंदी उपन्यास जो ऐतिहासिक उपन्यास है उनका संगत वर्ग। निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है? तो एक टोकरी भर मिट्टी, राही, कोशिका घटवार और परिंदे, ये नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में लिखी गई दी गई कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधव सप्रे, राही, सुभद्रा कुमारी चौहान, कोशिका घटवार, इसका कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा, ये निर्मल परिंदे, निर्मल वर्मा। उसके बाद आगे चलते हैं, शेखर जोशी होगा उसका शायद। निम्नलिखित नाटकों का संगत वर्ग कौन सा है? तो देखिए, भारत दुर्दशा, भारतेंदु का है, स्कंद गुप्त, जयशंकर प्रसाद द्वारा 1928 में लिखा गया है, आगरा बाजार, आगरा बाजार हबीब तनवी का है और अंजू दीदी, अंजू दीदी मुझे कुछ फ्लैश नहीं हो रहा है, बताऊंगा। आगे है, भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित शिव विमर्श संधि के अंगों का संगत वर्ग संफेट, आदान, प्रसंगर, विरोध, या ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में जो ज्यादातर कोई पढ़े नहीं रहते, तो ये मार्क्स घटाने में, ये बहुत मतलब कम करने, मार्क्स हमारे कम करने में बहुत मतलब बहुत मदद करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गैर मार्क्सवादी आलोचकों का संगत वर्ग कौन सा है? तो रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, विजयदेव, नारायण साही, ये गैर मार्क्सवादी आलोचक का वर्ग है। उसके बाद चलते हैं,
देखिए 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की निबंध रचनाओं का संगत वर्ग बताइए, बोल गया ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो निबंध नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित निबंध है हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। ये नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखित निबंध का संगत वर्ग है। महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं इस संस्मरण संग्रह के संस्मरणों का संगत वर्ग कौन सा है, ऐसा पूछा है। तो क्वेश्चन है डी, सेवा धर्म में चीनी फेरी वाला, ठकुरी बाबा और मेधावी बालक, जिसमें ठकुरी बाबा क्या है, ठकुरी बाबा जो नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसमें लिया गया है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र स्टेट वाला यही करता है कि न्यू नेट अपडेटेड नेट सिलेबस से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि ये बहुत ही आपको लाभकारी होगा, मतलब दोनों सेट को निकालने के लिए ये अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र सेट वालों ने ये काफ़ी अच्छा काम किया है इसके ऊपर। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय आचार्यों का संगत वर्ग कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो बेनेडिक्ट क्रोचे, आई रिचर्ड, रेने वेलेक और जाक देरिदा, ये इनका सी क्वेश्चन है, सही वर्ग है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लेखकों का। निम्नलिखित अलंकारों का संगत वर्ग कौन सा है, यह है उत्प्रेक्ष, समासोक्ति, विरोधाभास और रूपक। कालक्रम की दृष्टि से जैन रास ग्रंथ का वर्ग कौन सा है, ऐसा पूछा है इन्होंने। जैन रास ग्रंथ का संगत वर्ग तो बारतेश्वरी बाहुबली रास, चंदन बाला रास, स्थूलभद्र रास और नेमिनाथ रास। आगे चलते हैं, देखिए 67वां क्वेश्चन है, 67। अष्ट छाप के कवियों का सही संगत वर्ग कौन सा है, अष्ट छाप के कवि को पूछ लिया जाता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पूछ लिया जाता है। ये मतलब ये फिक्स क्वेश्चन है, सूरदास, कुंभनदास, नंददास और कृष्णदास। 1565 में अष्ट छाप की स्थापना हुई थी वल्लभाचार्य द्वारा। इसका इसका बेटा विट्ठलनाथ और उसका बेटा गोकुलनाथ, दो 252 वर्षों की वार्था और 84 वर्षों की वार्था उन्होंने लिखी है, गोकुलनाथ ने, विट्ठलनाथ के बेटे। उसके बाद आते हैं बूंद, बांटू परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा है। तो एक एमए छात्र इतना डीव जाके कहाँ से पढ़ेगा, अगर आप सिलेबस में रखेंगे तो ये बांटू इस भाषा परिवार, विश्व भाषा परिवार के बारे में इतनी अंदर जाके पढ़ेगा, मतलब इतना डीप कौन पढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाल दिए जाते हैं क्योंकि स्कोर कम हो, पहले से तो आड़े तेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर उधर करके, उसके बाद क्या है ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो कभी ना पढ़ा हो, तो इससे क्या होती है दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। तो देखिए आगे हम देखते हैं क्या है, जूलू, कांगो, काफिर और रुआंदा, ये 60th क्वेश्चन है, बांटू परिवार का भाषा का संगत वर्ग। पदबंध के प्रकारों का संगत वर्ग पूछा है इन्होंने, विशेषण, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध और संबंध बोधक पदबंध, ये होगा क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं मापन व्यंजनों का संगत वर्ग, घ, थ, फ, ढ, ये होगा। उसके बाद 71वां क्वेश्चन है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचना का सही अनुक्रम पूछा है, मृगावती, मृगावती कुदुबन, मधुमालती मंजन, चित्रावली, उस्मान और ज्ञानदीप, इसका कुछ याद नहीं आ रहा है, ये संगत वर्ग है, बी है। उसके बाद चलते हैं 72वें क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय संत संप्रदाय के कवियों का कालानुक्रमानुसार सही वर्ग पूछा है, चक्रधर स्वामी, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुकाराम, ये महाराष्ट्र से संबंधित है ये चारों संत। उसके बाद आते हैं 73rd क्वेश्चन है, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही वर्ग पूछा है, ख्वाजा बंदी नवाज, गेसुदराज, ये गुलबर्गा से संबंधित है, गुलबर्गा में इनका मकबरा है। उसके बाद शाहजनम, उसके बाद मुल्ला वजही, मुंशी सदासुखलाल, मुल्ला वजही ये भी दक्षिण से संबंधित है मुझे लगता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित कवियों का सही क्रम पूछा है, केशव, चिंतामणि, बिहारी और पद्माकर, ये इनका सही वर्ग है। केशव 1555 और बिहारी 1595 इनका जन्म काल है। रस शास्त्र से संबंधित कृतियों का कालक्रम है क्या है? रसमंजरी, रसिक प्रिया, रस रत्नावली, नायिका भेद, ये क्वेश्चन होगा इसका 75th का। 76th है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रियों का सही क्रम पूछा है, तो है बिहारी बंधु, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी और ब्राह्मण, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों का सही क्रम पूछा है, चित्रावली, उस्मान, इंद्रावती, मधुमालती, मंजन, उपमेय, सॉरी प्रेम पयोनिधि। देखिए यही क्वेश्चन अलग पूछ लिया है, वहाँ कवि पूछ के कवि पूछ लिए गए थे, यहाँ पे उनकी रचना पूछ ली गई है, तो ऐसे ही होता है। तो डीप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। मैत्री शरण गुप्त की काव्य रचना का कालानुक्रमसार सही क्रम बताया है, सब क्वेश्चन है, किसान, अनघ, त्रिपथगा और प्रदक्षिणा, ये सी क्वेश्चन सही है। 79th क्वेश्चन है, नई कविता के प्रमुख कवियों का कालानुक्रमसार सही क्रम बताया, ऐसा पूछा गया है, तो अज्ञेय 1911, रामायण शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, धर्मवीर भारती 1925। ओके, धूमिल की कविताओं का संगत वर्ग कौन सा है, ऐसा पूछा है, मोतीराम, रोटी और संसद, अकाल दर्शन, अक्षरबाड़ी, ये सभी कविता है नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में ली गई है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये आपको जरूरी फायदा पहुंचाएगी नेट सेट में। तो देखिए 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो उपन्यासों का संगत वर्ग कौन सा ऐसा है, देवरानी जेठानी की कहानी, बाण भट्ट की आत्मकथा, लाला इसका है पंडित गौरी दत्त 1884, बाण भट्ट की आत्मकथा इसका है, मुझे याद नहीं आ रहा, जिंदगीनामा, यह है जिंदगीनामा, कृष्णा सोबती, धरती धरना अपना, कृष्ण चंद्र, बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये चार और पांचों, 1, 2, 3, 4, ये चारों उपन्यास मैंने पढ़े हैं, बहुत ही बढ़िया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा पूछा है, हिंदी, मराठी, असमिया और उड़िया, ये आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। काल क्रम अनुसार कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है, 11 वर्ष का समय, ये है रामचंद्र शुक्ला, ग्राम ग्राम ये होगा मैत्री शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत का, उसके बाद उसने कहा था ये मैत्री शरण, ये सॉरी फणीश्वरनाथ रेणु, आकाशदीप ये होगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आगे चलते हैं 84वें क्वेश्चन पे, बी होगा 83 का, मोहन राकेश के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के साथ दृष्टि से सही क्रम पूछा है, आषाढ़ का एक दिन ये है, कालिदास पे ऊपर लिखा गया नाटक है, नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में है। उसके बाद लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के ऊपर लिखा गया, अंधेरे आधे अधूरे ये भी नेट के अपडेटेड सिलेबस में है, पैरों तले की जमीन इसमें से दो नेट के सिलेबस में लिए गए हैं। वृंदावन लाल वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही वर्ग पूछा है, खाकी की लाज, बांस की फांस, खिलौने की खोज और केवट, ये 85 का सी क्वेश्चन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथा का सही क्रम कौन सा है, ऐसा पूछा है, अपनी खबर, उग्र का है, ये नीड का निर्माण, फिर ये हरिवंश राय बच्चन का है, झूठन एवं प्रकाश वाले, शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द किसका है, शिकंजे का सुशीला टाग भोरे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रेखा चित्र का सही क्रम, बोलती प्रतिमाएं, गेहूं और गुलाब, कुछ शब्द कुछ रेखा है, मेरा परिवार। उसके बाद आगे चलते, निम्नलिखित रेखा चित्र संग्रह का काल क्रम अनुसार
सही वर्ग बोलते। अतीत के चलचित्र रेखाएं बोल उठी गेहूं और गुलाब, दीप चले शंख बजे, ये डी क्वेश्चन 88 का। उसके बाद काल क्रम के अनुसार संस्कृत आचारों का सही क्रम पूछा है, तो वो होगा बी क्वेश्चन आंसर, सॉरी बी आंसर 89 का। अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र और मम्मट 90 का होगा, 90 का। निम्नलिखित विद्वानों का कालक्रम अनुसार सही क्रम बताया, लोंजाइन्स, कार्लरिस, रिचर्ड और इलियट, ये क्वेश्चन सही होगा। इसमें शायद पैराग्राफ नहीं दिया होगा। 91 से 100 तक कथन तर्क होंगे, स्थापना तर्क सॉरी। तो लेखक सतत अंतर पाठीय क्रिया है जिसमें विवेक सम्मत धीमी और भेदपूर्ण अंतर पाठीय की स्थिति होती है। लेखक की शैली उसके दृष्टिकोण की भाषा के माध्यम से बिंबों द्वारा अभिव्यक्त होती है। तो सही, ये स्थापना सही है और तर्क गलत है। आगे चलते हैं 92 पे। 92 क्वेश्चन है, बिंबों में अर्थ की संभावना निहित होती है। बिंबों में अर्थ की संभावना निहित होती है, नहीं होती शायद, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। तो दोनों गलत है, स्थापना तर्क दोनों गलत है। देखिए 93 क्वेश्चन, 93 का क्या है, स्थापना है, उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हाँ हमने पश्चिम से लिए हैं। मात्रा तर्क क्या है, मात्र ढांचा ही पश्चिम का है, अन्य तत्व भारतीय है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो देखिए आगे है 94, प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तर्क क्या है, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, लेकिन स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है। प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, ऐसा कहा है, लेकिन प्रेम सामाजिक भाव है, समाज के अंदर ही प्रेम रहता है ना, तो उसे हम निकाल नहीं सकते। तो आगे है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ओके, ये स्थापना है। तर्क क्या है, कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। तो स्थापना सही है लेकिन कविता, तर्क गलत है, लेकिन कविता में कवि हृदय लोक सामंजस्य सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, तो ये गलत है। 96 देखिए, स्थापना है, उत्तर आधुनिकता स्थितियों का बहुवचनवाद है। तर्क देखिए, वह बहुस्तरीय एवं बहुलार्थता को स्वीकार करती। स्थापना गलत है, तर्क सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्थापना, जीवन का सौंदर्य वैचित्र्यपूर्ण है, जीवन का सौंदर्य वैचित्र्यपूर्ण है। तर्क देखिए, ऊपर का स्थापना हो गया, तर्क देखिए, उसके भीतर किसी एक ही भाव का विधान नहीं है। तो स्थापना तर्क दोनों सही है। अब देखिए 98 क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन इसमें ये अच्छा किया है कि पैराग्राफ नहीं दिया है। पैराग्राफ किसी को आसान लगता है तो किसी को डिफिकल्ट लगने लगता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन कटने की संभावना हो जाती है। तो केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं बना देती है। स्थापना है, केवल प्रयोगशीलता ही का किसी रचना को काव्य नहीं बना देती है। तो तर्क क्या दिया है इसका, देखिए तर्क, प्रयोगशीलता से ही से रहित रचना उबाऊ होती है। तो स्थापना तर्क दोनों सही है। देखिए 99 क्या है, स्थापना है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दर्शन किसी वस्तु को अंतिम निरपेक्ष और शाश्वत मानता है। तर्क क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दर्शन सत्य को सापेक्ष मानता है। तो 99 का स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है।
तो 100वां क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना परंपरा सांस की तरह अनिवार्य क्रिया है, वह अतीत वर्तमान और भविष्य में सहकारी भूमिका होती है। परंपरा सांस की तरह अनिवार्य है, स्थापना गलत है, तर्क सही है। वह अतीत वर्तमान और भविष्य सहकारी भूमिका, मतलब भूमि परंपराएं भूमिका निभाती है, लेकिन परंपरा को पकड़ के रखना सांस की तरह, मतलब सांस नहीं ले तो मर जाएंगे, जैसा परंपरा को नहीं किए तो मर जाए, ये लेकिन गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन स्थापना गलत तर्क सही है। तो दोस्तों कोरोना में अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, आपको इससे निश्चित ही लाभ मिलेगी। धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब कीजिए, याद से बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने के लिए। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।